हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं लगभग, और ये इनका मॉर्निंग शिफ्ट था, तो इन्होंने कहा था कि मैं खाना खाने 10:30 बजे के आसपास आऊँगा। तो सारा काम मेरा किचन का तो रात में ही हो जाता है। एक दो बर्तन जो कि सुबह जिसमें कि रोटी वगैरह रखी थी, तो वो एक दो बर्तन है सिंक में, मैं किसी टाइम धो लूँगी। और आज तीसरा दिन है जो कि काम करने वाली नहीं आ रही हैं, तो यहाँ पर मैं चावल पहले 15 मिनट पहले पानी में भिगने के लिए दे देती हूँ, जिससे कि चावल में जितनी भी गंदगी है अच्छे तरीके से पूरा निकल जाता है। उसके बाद मैं 8-10 पानी से धोती हूँ, जब तक कि साफ़ पानी ना आ जाए, क्योंकि आजकल बहुत डर लगता है, मार्केट में कोई भी चीज़ सही नहीं मिलता है। मैं दाल भी इसी तरह से पूरा धोकर बनाती हूँ, मैंने चावल उसमें डाल दिया है। और कढ़ाई जब भी चढ़ाती हूँ, शुरू से आप लोगों ने देखा है मेरा यही नियम रहा है कि सबसे पहले दाल को फ्राई कर लूँ। तो आज अरहर का दाल है, तो उसको तो फ्राई करना है। कोई भी दाल अगर आप फ्राई करके बनाते हैं तो अच्छा बनता है, हालांकि अरहर का दाल बिना फ्राई किए भी बहुत अच्छा बनता है। तो मैं दाल को अच्छे से धो लूँगी और फ्राई करके इसको सीड करके, और फिर सारी सब्जियों को भी मैंने धुल लिया है। और बिल्कुल थोड़ा सा नर्वस हूँ, उदास हूँ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, हर दिन तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। तो भिंडी को धोकर मैंने इस तरह से रखा है जिससे कि सारा पानी इसका नीचे गिर जाए। और करेली, खीरा, टमाटर, अदरक ये सब मैंने पहले से ही धुल लिया था, इसका भी पानी निकल गया है। तो यहाँ पर मेरा चावल होते रहेगा, दाल को मैं फ्राई कर लूँगी। और सुबह से बस तरबूज खाई हूँ और कुछ खाई नहीं हूँ, और कुछ रात का विशेष बचा नहीं था, रोटी वगैरह एक बचा था, मैंने बाबू को खिला दिया था। तो अब आज मुझे सत्तू पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, ठंडा सत्तू का शरबत। तो ये तेल भी ख़त्म हो गया था, इसका भी डब्बा मैंने साफ़ कर लिया था, और अब इसमें मैं तेल उडेल दूंगी और फिर अरहर का दाल फ्राई कर लूंगी। एक दो ढक्कन है, एक जो पिंक वाला आप देख रहे हैं, पहले मेरे पास दूसरे तरीके का तेल रखने वाला था, लेकिन जब मैंने गर्म पानी से उसको साफ़ किया तो वो पिघल गया था, इसीलिए इस डब्बे में मैं दोनों ढक्कन यूज करती हूँ, क्योंकि ढक्कन वगैरह ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाता है। तो आज आज है आपका सैटरडे, और ये बोले थे खिचड़ी बना लेने, लेकिन खिचड़ी में भी ज़्यादा मेहनत है, इसीलिए मुझे लगा कि मैं सिंपल सा दाल चावल भिंडी का भुंजिया बना लूं। तो मुझे लगता है कि आधे घंटे में हो जाएगा, चावल तो मैं खुले में बनाती हूं। तो अब मैं जा रही हूं सत्तू का शरबत बनाने के लिए, और उसमें कुछ भी नहीं करूँगी, बस थोड़ा सा फ्रिज का पानी डालूँगी, थोड़ा सा नॉर्मल पानी, और सत्तू, नींबू ये सब डाल के एक गिलास पीऊँगी, क्योंकि लगभग 10:45 हो रहा है, भूख तो लग ही गई है। तो यहाँ पर जैसे एक पॉकेट और भी खुला हुआ था, तो पहले मुझे लगा पहले मैं उसको ख़त्म कर लूँ, लेकिन जब उसको मैंने डाला तो मैंने देखा उसमें चींटियाँ लग गई थी। आजकल हर चीज़ में पता नहीं क्यों चींटी लगी रहती है, परेशान हो गई हूँ मैं, जबकि लक्ष्मण रेखा वगैरह सब कुछ यूज करती हूँ फिर भी। तो फिर दूसरे सत्तू को डालकर मैं भी पी लूँगी, बाबू को भी दे दूँगी, और उसके बाद फिर भिंडी मैं काट लूँगी और दाल सेट करके इंडक्शन पर डाल दूँगी, भिंडी फ्राई कर दूँगी। लेकिन ये भी लग रहा है कि बार बार उठ के भिंडी चलाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि बार बार उठ बैठ करना मेरे लिए मुश्किल है। तो डियर, आप लोगों में से जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स ज़रूर सेंड करिएगा। आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ती हूँ, रिप्लाई करती हूँ, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो फ्रिज से मैंने नींबू और ठंडा पानी निकाल लिया है, बीच बीच में दाल भी चलाते रहूँगी। बिल्कुल नर्वस सा फील हो रहा है, हो जाता है कभी कभी, सुबह के टाइम हो जाता है, कभी कभी शाम के समय में हो जाता है। तो मुझे नेहा ने बताया था कि मैम आप ORS का घोल पीजिए, मैं ग्लूकोज पीती हूँ जब ऐसा फील करती हूँ। तो किसी ने कहा ORS घोल से कॉन्स्टिपेशन भी होने लगता है, तो मुझे इस पर आइडिया नहीं है, लेकिन मैं एक मंगा लूँगी, पी कर मैं देखूँगी कि सच में मुझे ताकत मिलती है या नहीं, जबकि आयरन कैल्शियम रोज़ खाती हूँ, प्रोटीन का पाउडर रोज़ नहीं पी पाती हूँ। तो यहाँ पर मेरा सत्तू का शरबत रेडी हो गया है, और बाबू के लिए मैंने गिलास में निकाल दिया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा बस स्वाद के लिए लाल मिर्च पाउडर दे दिया, मैं जानती हूँ मुझे हानि करेगा, लेकिन बस स्वाद के लिए। और अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ सोफ़ा पर, बैठते बैठते भिंडी काट लूँगी, और हालत एकदम ख़राब सी लग रही है। तो बाबू से मैंने टेबल मांगा, वो अभी नहाया भी नहीं है, मैं नहला भी नहीं पाऊँगी, वो खुद नहा लेता है, क्योंकि ये जब मॉर्निंग में चले जाते हैं थोड़ा सा परेशानी होती है, और ये पड़ रहा था इसीलिए पूरा बेड इसका बिखरा हुआ है। यहाँ पर मैंने फोल्डिंग इस गेस्ट रूम में इसीलिए लगवा दिया है, कभी टीवी देखने का मन हो तो बैठते बैठते तबीयत ख़राब लगने लगती है, तो फिर मैं लेट जाती हूँ टीवी देखते देखते, इस पर भी लेटने में प्रॉब्लम होता है। तो अचानक से मेरी तबीयत ऐसी लगने लगी, मतलब
ये समझ लीजिए जब मैंने वहाँ पे ससुराल में सासू माँ का सारा चीज़ किया था, तो नीचे बहुत बार मुझे बैठना पड़ता था, उठना पड़ता था। कई लोग कोऑपरेटिव भी थे जो कि बोलते थे नहीं आप चेयर पे बैठ के सारा काम करिए। तो उसमें उस समय से मुझे लग रहा था कि मुझे अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। तो जब मैं दिखाने यहाँ पर गई 3 अप्रैल को, तो वो बोली डॉक्टर कि 15 दिन बाद आपको कराना है अल्ट्रासाउंड। तो मुझे चिंता भी बनी हुई थी कि अल्ट्रासाउंड भी कराना है और तबीयत भी इतनी वीकनेस सी लगती है। तो यहाँ पर मैंने टीवी भी ऑन कर लिया है और बाबू अभी नहा रहा है, तो मैं तब तक बाबू भी नहाने जाएगा, मेरे पास आया बनियान खुलवाने के लिए, तो अब ये नहा कर आएगा, तब तक मेरा भिंडी कट जाएगा। इसको ड्रेसअप कर दूँगी क्योंकि कपड़ा अभी उतना अच्छे से पहनने नहीं आता है। और उसको मैंने नहा सुना के रेडी कर दिया है, मतलब खुद नहाया, कपड़ा वपड़ा पहन के अब वो पढ़ने बैठा है। नाश्ता वही सत्तू का शरबत पिया है। और यहाँ पर मैं दाल पूरा फीट करके इंडक्शन पर डाल दूँगी, चावल अभी हुआ नहीं है, पका नहीं है अच्छे से, और भिंडी में छौंक लगा दूँगी। और उसके बाद लगभग खाना तो तुरंत बन जाता है, खाना बनाने में मुझे समय नहीं लगता है। चावल का डब्बा मैंने ऊपर ही रखवा लिया है ताकि मुझे लेने में आसानी हो। और यहाँ पर नमक, हल्दी, टमाटर, हींग, अरहर की दाल में मैं हींग नहीं डालती थी, लेकिन गैस के कारण मैं डालती हूँ। अरहर का दाल गैस करता है, हींग डालने से गैस की संभावना कम होती है। तो यहाँ पर अब मैं भिंडी के लिए तेल डाल दूँगी, और इसी में जो है हींग, पंचफोरन, तेजपात, लाल मिर्च और हल्दी, नमक सब एक साथ ही डालूँगी, क्योंकि भिंडी में अगर ऊपर से आप नमक डालते हैं तो किसी में नमक मिलता है किसी में नहीं मिलता है, और नीचे सब्जी वगैरह रखने का इसी तरह से फैला हुआ है। मैं सोचती हूँ वो आएंगे तो मैं करवाऊँगी, अब देखती हूँ कब आती है कैसे आती है। तो यहाँ पर मैं सब कुछ डाल के भिंडी में छौंक लगा दूँगी। वही है कि बार बार मुझे उठना पड़ेगा चलाने के लिए, लेकिन इस तरह से आप ये समझ लीजिए कि लगभग जब तीनों चीज़ चढ़ गया, बिल्कुल सिंपल सिंपल ही आजकल खाना बनाती हूँ, तो तीनों चीज़ चढ़ गया तो इसका मतलब है कि अब जल्दी ही पक जाएगा खाना। और परेशानी तो होती ही है, स्थिति तो गंभीर है थोड़ी सी, लेकिन यहाँ पर मैंने सत्तू की शरबत भी पी तो मुझे राहत मिली। और उसके बाद यहाँ खाना पीना हो गया है, मैंने बर्तन अभी बिल्कुल नहीं धोया है क्योंकि मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं बची थी। तो खाना पीना खिला के फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ कि अब लेटूँगी, अभी वो खाने आए नहीं हैं। तो 11 अभी बज गया, पता नहीं अब कितने बजे तक आएंगे, उन्होंने तो कहा था, लेकिन ऑफिस के अनुसार भी काम होता है। तो यहाँ पर बेड में चारों तरफ से खिड़की वगैरह बंद रहता है, फिर भी कहाँ से धूल इतना आता है पता नहीं। तो यहाँ पर मैंने बेड शीट चेंज कर लिया है, इसको बेड को अच्छे से लगा लूँगी। और जब यहाँ बेड लगा रहे थे पता नहीं बाबू कैसे साइकिल चलाने के दौरान क्या किया कैसे पता नहीं, पूरा पानी गिरा दिया है। तो जहाँ पानी गिरता है वहाँ मैं तुरंत पानी को पोंछती हूँ, क्योंकि मुझे ही डर लगता है भारी शरीर है, मैं ही गिर जाऊँगी। तो आज मैंने ट्रंक पे बैग रखा हुआ था, जो बैग लेकर मैं आई हूँ, तो उससे मैं धीरे धीरे अब कुछ सामान निकाल रही हूँ, जैसे कि ऊन वगैरह लेकर गई थी तो 2-3 स्वेटर बनाया। ये देखिए कैसे पानी गिरा रहा है, मैंने अभी देखा, ये देखिए कैसे बनियान भिगा कर पानी गिरा रहा था पूरा। तब फिर मैंने इस पानी को पूछा, और ये जो इतना सा नया बचा था और थोड़ा वड़ा है, बाकी बहुत स्वेटर मैंने बनाया, किसी दिन आपको दिखाऊंगी कौन कौन सा स्वेटर बनाया। तो यहाँ पर मैंने पानी पूछ दिया है, इसका खाना पीना हो गया, मैंने खा लिया, मैंने इसको बुलाया पैर वैर पोंछ के, इसको भी सुला दूँगी, मैं भी सो जाऊँगी। और ये देखेंगे आप, शाम का समय है, ये आ गए थे, खाना वाना खा लिया था इन्होंने, उसके बाद आराम किए थे। और अब मैं जा रही हूँ डॉक्टर के यहाँ अचानक से अल्ट्रासाउंड करवाने, क्योंकि मेरे भी मन में चल रहा था क्या परेशानी है, नीचे के एरिया में थोड़ा दर्द होता है। काम तो मैं क्या करती हूँ आप तो देख ही रहे हैं, आप लोग काम तो कर ही लेती हूँ, लेकिन डर लगता है कि क्यों दर्द होता है। कोई भी सूट या कोई भी कुछ मुझे आ नहीं रहा था, अब यही एक लास्ट सूट बचा है जो कि मुझे आ रहा है, तो इसमें अंदर में कोई सिलाई थी नहीं, तो ये तो अभी फ़िलहाल आ गया है। अब आगे देखती हूँ कौन सा सूट मुझे आता है कौन सा नहीं। तो मैं यहाँ पर, इन्होंने कहा पहले तुम रेडी हो जाओ, तुमको समय लगेगा। और ये बाबू यहाँ पर नीचे में खिलौना बिखेर रहा था, तो वही समेटने ये आए हैं, और यहाँ पर ये समेट उमेट के मैं भी रेडी हो गई हूँ, और अब चलूँगी डॉक्टर के यहाँ। देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड में क्या आता है, तब फिर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पूरा बर्तन उसी तरह रखा हुआ था, और यहाँ पर देखेंगे आपको दिख रहा होगा ये अल्ट्रासाउंड का मेट्रो, आई हूँ मैं अल्ट्रासाउंड करवाने। वहाँ से आने के बाद फिर किचन आई मैं, थोड़ा रेस्ट किया, और इतना बिखरा हुआ था किचन कि अब मैं सारा बर्तन को धो लूँगी
और इस सूट में मिलता हुआ एक बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट सा स्कर्ट था उसी को मैंने पहना है इस सूट में मिलता हुआ, क्योंकि कोई ट्राउज़र वगैरह भी अभी नहीं आ रहा था मुझे। तो अब मैं सारे बर्तन को खाली करके और पूरा सबसे पहले किचन में जब साफ रहता है तो खाना बनाने में उतना भारी नहीं लगता है, लेकिन अगर किचन गंदा हो भरा हो तब फिर बहुत मुश्किल लगता है खाना बनाना। तो इसीलिए मैं थोड़ा आके थोड़ा रेस्ट किया और ये फिर चले गए बाहर, और क्योंकि ये रिपोर्ट नहीं ला पाए थे। तो मैं आपको अगले वीडियो में भी बताऊंगी कि हम लोग भागे भागे घर क्यों आए, अल्ट्रासाउंड में क्या रिपोर्ट आया है। थोड़ी सी चिंता की भी बात है, लेकिन आपको बताएंगे अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, जो पुराने हैं वो तो देखते ही हैं, अपना कमेंट तो देते ही हैं। तो चिंता जिस बात का मुझे डर था अल्ट्रासाउंड में वही हुआ है। और उसके बाद फिर भागे भागे घर आए, मैं तो सोच कर गई थी कुछ खाऊंगी पीऊंगी इस तरह करके, लेकिन बहुत तेज़ी से हड़बड़ा कर भागते हुए, आप ये समझ लीजिए कि 10 मिनट में रिपोर्ट मिलने वाला था, रिपोर्ट भी मैंने नहीं लिया और वहाँ से भागे भागे घर आई। तो ये सब चीज़ मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊँगी। तो यहाँ पर सारे बर्तन को मैं धो लूँगी, और उसके क्योंकि अभी मुझे बाहर का कुछ भी खाने का मन नहीं करता। ये बोले भी मैं बाहर से लेते आऊँ खाना, लेकिन मुझे बिल्कुल भी बाहर का कोई भी चीज़, एक बस गन्ने का जूस पीने का मन करता है और कुछ भी नहीं, फल वल तो जो है ही। तो यहाँ पर मैंने लगभग सारा बर्तन धो लिया है और लगभग रात के 9:30 बज रहे हैं। तो बर्तन धोकर अब मैंने गैस वैस सब पोछ लिया था, और मैंने इनको कहा अब आप किसी तरह सब्जी बना लीजिए, फिर मैं एक बार उठ के रोटी बना लूँगी, 8-10 रोटियाँ किसी तरह मैं बना लूँगी। तो इन्होंने आलू और करेली का भुंजिया बनाया था, करेली मैंने सोचा था इसका भरमा बनाऊँगी, लेकिन स्थिति जो करा दे। तो इन्होंने आलू करेली का भुंजिया बनाया था, उसके बाद जब भुंजिया बन गया फिर मैं उठ कर आई थी रोटी बनाने, फिर इन्होंने सलाद काटा, और रोटी बनाकर भी मैं लेट गई थी, खाना वगैरह भी इन्होंने ही लगाया था। इस तरह से मेरा आज का काम कंप्लीट हुआ। तो मिलती हूँ डियर आपसे अपने अगले ब्लॉग में, बने रहिए इस चैनल के साथ, और अब मैं चल रही हूँ आराम कर।